हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। बच्चे चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर उनका वेट गेन होना रुक जाए या बहुत स्लो हो जाए तो पेरेंट्स काफ़ी वरिड हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप देख रहे हो कि उनको कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, बट फिर भी वेट गेन रुक गया है, तो इट्स अ मैटर ऑफ वरी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप रीजंस जिसकी वजह से बच्चों का वेट गेन या तो रुक जाता है या बहुत ही स्लो हो जाता है। ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज वेट गेन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स पेरेंट्स हैव। एंड साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इफ़ वेट गेन इज अ कंसर्न, आपको इसके बारे में चिंता होती है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में येस लिख के जरूर बताइएगा। इट विल बी गुड टू नो कि कितने पेरेंट्स इस चीज से सफर कर रहे हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पेरेंट्स, सबसे पहला रीजन होता है कैलोरी डेफिसिट। आप भी नोटिस करेंगे कि जब भी आपको वेट लूज करना है अपना, आपने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको कहते हैं आपको कैलोरी डेफिसिट करना है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि आपको खाना कम है और एक्टिविटी को बढ़ाना है। सेम चीज़ बच्चों के साथ होती है, जब बच्चे स्पेशली टॉडलर एज ग्रुप में आते हैं तो उनकी जो खाने की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है और उनकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में बॉडी जो है वो फैट लॉस और वेट लॉस करना शुरू कर देती है या फिर वेट स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे वेट गेन नहीं करते। अब इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं, या तो हम बच्चों की एक्टिविटी कम कर दें, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, हम चाहते हैं बच्चे एक्टिव रहें, या फिर हम बच्चे का जो खाने की क्वांटिटी है उसको बढ़ाएं, छोटी छोटी मील्स उनको देते रहें, या फिर जो मील्स दे रहे हैं उनको और न्यूट्रिशन डेंस बनाएं, उनमें और हेल्दी फैट्स डालें, प्रोटीन डालें, जिससे कि बच्चों का कैलोरी इनटेक ऊपर हो जाए। तो आप ये सेकेंड ऑप्शन ट्राई कीजिएगा और फिर देखिए कि आपके बच्चों के वेट गेन में डिफरेंस आता है या नहीं। दूसरी बड़ी वजह होती है कॉन्स्टिपेशन। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको टिपिकली काफ़ी हेवीनेस फील होती है, उनकी भूख कम हो जाती है और उनका खाने का मन नहीं करता, वेरी सिमिलर टू हाउ इट हैपन्स टू अस। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपके बच्चे को रोज़ पॉटी नहीं हो रहा है, या फिर आप नोटिस कर रहे हो कि उसका स्टूल जो है वो काफ़ी हार्ड है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट देर आर वेज जिससे आप इसे ट्रीट कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन के लिए होम रेमिडीज़ भी होती हैं, अगर आपके बच्चे वो कर सके तो नथिंग लाइक इट। और कॉन्स्टिपेशन के लिए देर आर पाउडर्स ऑल्सो दैट कम जो बच्चों को दिए जाते हैं, बट दैट्स अ डिस्कशन जो आपको और आपके पीडियाट्रिशियन को बैठ के करना चाहिए। आई ऑलवेज सजेस्ट कि होम रेमिडीज बच्चों पे पहले ट्राई करनी चाहिए एंड देन आपको मेडिसिन या पाउडर्स के फॉर्म में जाना चाहिए। तीसरा बड़ा रीजन होता है थायराइड। अब इतने छोटे बच्चे को थायराइड हो सकता है ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते, हमें तो लगता है थायराइड के बारे में हमें पता ही बड़े होके चलता है। बट अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चे बिल्कुल वेट गेन नहीं कर रहे या उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, तो आपको थायराइड ज़रूर असेस कराना चाहिए। टिपिकली जब न्यूबॉर्न बेबी होता है और उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बोला जाता है, उसमें बच्चे को थायराइड है या नहीं वो तभी पता कर लिया जाता है। बट काफ़ी हॉस्पिटल्स में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी लेट इन लाइफ पता चलता है कि अच्छा बच्चे को तो थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसका जो वेट गेन है या तो वो बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल नहीं हो रहा, इनफैक्ट बच्चा जो है वो वेट लूज कर रहा है। चौथा रीजन होता है मैल एब्जॉर्प्शन। मैल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिशियस खाना आप अपने बच्चे को दे रहे हो वो जब बॉडी के अंदर जा रहा है तो बॉडी जो उसका न्यूट्रिशन एलिमेंट है उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, क्योंकि बॉडी विटामिंस मिनरल्स को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो वेट गेन इज़ अ परफेक्ट वे ऑफ सीइंग दैट बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रही है। अब मैल अब्जॉर्प्शन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है कि आप ऐसे कुछ फूड कॉम्बिनेशन यूज करते हो जिससे कि बॉडी में न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, सो दैट इज़ वन बिग रीज़न। तभी बोला जाता है कि फूड के भी आपको कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, हर चीज़ हर कैटेगरी के साथ नहीं जाती है, देर आर सम फूड्स दैट शुड नॉट बी कम्बाइंड। दूसरा और बड़ा रीज़न ये हो सकता है सम फॉर्म ऑफ एलर्जी, जैसे ग्लूटेन एलर्जी एक बहुत ही कॉमन कॉज है जिससे बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं करती है। ग्लूटेन एलर्जी को आइडेंटिफाई कर पाना इतनी छोटी एज में पॉसिबल नहीं होता और हमें लेटर इन लाइफ पता चलता है कि अच्छा हमें तो ग्लूटेन से एलर्जी है, और हर वो चीज़ जो हम बच्चों को खिलाते हैं जैसे रोटी ब्रेड पास्ता जो इवेंचुअली बच्चों के फेवरेट हो जाते हैं,
इन सब में ग्लूटेन भरा होता है। तो जिन बच्चों को ग्लूटेन से एलर्जी निकलती है, आप टिपिकली देखेंगे कि उनका जो वेट है वो हमेशा लोअर साइड पे होगा, वो हमेशा बहुत ही लीन होंगे और कभी कुछ खास वेट गेन नहीं करेंगे जब तक वो ऐसी डाइट पे ना आ जाएं जो कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री हो। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो दिस विल बी अनदर गुड पॉइंट टू डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन। ग्लूटेन एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये दोनों ही काफी मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में मैलअब्सॉर्प्शन होता है। एंड लास्ट बड़ा रीजन होता है न्यूट्रिशन डाइल्यूशन। हम अपने बच्चे को खाना देते हैं बट हम जो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको डाइल्यूट कर देते हैं, जिससे जो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी को एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपने बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाया, आपको लगा कि मैं कम पानी में ज़्यादा पाउडर डाल देती हूँ इससे मेरे बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। गलत, आपने जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी उस पूरी सर्विंग की उसको ही खराब कर दिया, जिससे कि बॉडी प्रॉपरली न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। आपको हर पैकेट पे क्लियरली लिखा जाता है कि कितने पानी में आपको कितने स्कूप पाउडर डालना है और उसी के अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन कैलकुलेशन होती है। सिमिलरली हम बच्चों को काउ मिल्क देते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं ताकि हम डाइल्यूट कर दें, दूध पतला हो जाए, बच्चे के लिए पचाना ईजी हो जाए, बट उससे क्या होता है कि बच्चे को जो उससे न्यूट्रिशन मिलना था कम्प्लीट वो नहीं मिल पाता है। सिमिलरली हमने बच्चे को एक राइस दाल का कॉम्बिनेशन दिया, हमने बॉयल्ड राइस बनाए, साथ में मूंग की दाल दे दी और बच्चे को खिला दिया। हमने यहाँ मिस ये कर दिया कि हम उसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉप्स ऑफ घी डाल सकते थे, हम दाल के अंदर एक ड्रमस्टिक डाल सकते थे, जिससे कि जो मील है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाए इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हो जाने के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे कम खाते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि अगर वो चार बाइट्स भी लें तो वो न्यूट्रिशन वाइज रिच हो। सो गाइस, ये टॉप सबसे कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों का वेट गेन नहीं होता। इसमें से भी 90% केसेस में ये देखा जाता है कि वेट गेन ना होने का एक सिंपल सा रीजन है, नंबर वन विच इज कैलोरी डेफिसिट। सिंपल फॉर्मूला, बच्चे भाग ज्यादा रहे हैं, खा कम रहे हैं, इसीलिए वो वेट गेन नहीं कर रहे। तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स को दूसरे डायरेक्शन में सोचने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पांचों रीजंस आपके बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं होते, आप देख रहे हो कि नहीं ये तो सब परफेक्ट चल रहा है, देन आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में रिव्यू करना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन के साथ, बिकॉज कुछ केसेस में देयर कुड बी अ लिवर डिसीज, अ किडनी डिसीज, अ पैनक्रियास डिसीज, अ हार्ट डिसीज, सम और द अदर फॉर्म ऑफ मैल फंक्शनिंग इन द बॉडी विच कुड बी रिजल्टिंग इन स्लो और नो वेट गेन। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी एंड आई रियली होप आप इसे सब पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो पैनिक में डिफरेंट डॉक्टर्स को अप्रोच करके हर बार ये क्वेश्चन ना पूछें कि मेरे बच्चे के साथ हो क्या रहा है, पहले वो खुद एक प्री असेसमेंट कर सकें कि हाँ दिस मे बी द रीजन दैट माई बेबी इज नॉट गेनिंग वेट, और उसके टूवर्ड्स थोड़ा वर्क करके देखें। पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, momcomindia.info, आप उसे विजिट कीजिए एंड रीड द आर्टिकल्स एंड यू विल रियली गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ कैन यू डू पेरेंटिंग इन अ मोर सिंप्लीफाइड मैनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।